गाइस वेलकम टू ट्यूटोरियल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी एक DIY पतंग। पर हाँ, ये पतंग आप सिर्फ डेकोरेशन के ही काम ला सकते हो या आप उड़ा नहीं सकते। पहले बार तो ये इतनी छोटी है और इसमें कोई स्टिक्स वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पेपर, फेविस्टिक, आप चाहो तो फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, स्केच पेंस एंड यार्न। तो सबसे पहले हमें, जिस जिसके पास ओरिगामी शीट नहीं है वो ऐसे करे, पहले ऐसे उसके बाद ऐसे। और अब हम इसको टियर कर लेंगे। अब मैं इसको खोलूंगी और इसकी एक साइड ऐसे लाइन के बराबर ऐसे करूंगी। एकदम इक्वली हम करेंगे। अब हम टेप लेंगे और उसका एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे। गहरा। अब मैं यार्न लूंगी और इसके यहाँ बीच में चिपका दूंगी। आप चाहो तो इसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हो, पर वो सूखने में टाइम लेती है और वो थोड़ी सी मैसी भी हो जाती है, तो फिर बेटर है आप टेप यूज करो। अब हम इन दोनों फ्लैप्स पे फेविकॉल लगाएंगे या फिर फेविस्टिक। इसको हम ऐसे पेस्ट कर देंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए और ये बार बार ही खोले ना। अब ये देखो हमारी काइट बन गई। इसके पीछे भी काइट है। अब यहाँ पे मैं डेकोरेशंस कर दूंगी, आप अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रही हूँ। ये मैंने नाम लिख दिया ट्यूटल। और अब मैं इसको स्टार से भरती हूँ। थोड़े से लाइट ब्लू स्टार्स, थोड़े से डार्क ब्लू स्टार्स। देखा गाइस हमारी कितनी अच्छी काइट बन के रेडी हो गई। आप इसके चाहो तो थ्रेड पे भी डेकोरेशन कर सकते हो, और अगर आपके पास कलर शीट है तो फिर और भी अच्छा है, आपकी ओरिगामी और भी अच्छी बनेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय।